नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आयुर्वेदिक नई दिशा। अगर आप अपने शरीर को फिट रखना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे पहले अपने वात, कफ और पित्त को संतुलित बनाए रखना होगा, क्योंकि अगर आपका कफ बढ़ जाता है तो आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आज हम आपको बताएंगे आप अपने कफ को किस प्रकार से संतुलित बना सकते हैं और साथ में जाने कि किस प्रकार कफ बढ़ जाने से आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। खांसी, अगर आपके गले में कफ बन गया है तो आपको खांसी बार बार आएगी। गीले कफ में तो खांसी होती है, लेकिन कफ के सूख जाने पर यह खांसी और भी नुकसानदायक हो जाती है। सर्दी जुकाम, जब आपको सर्दी या जुकाम होता है तो आपके गले में कफ भी महसूस होता है, लेकिन कभी कभी सिर्फ कफ बढ़ जाने के कारण भी आपको सर्दी जुकाम हो सकता है। शरीर में भारीपन, कफ की अधिकता के कारण शरीर में भारीपन बना रहता है, जिसके कारण आपको आराम करने का मन करता रहता है। त्वचा में सफेदी, त्वचा के रंग में अगर आपको सफेदी सी लगे तो यह कफ बढ़ने के लक्षण होते हैं, ऐसे में आपको उपचार की बेहद ज़रूरत है। अपने शरीर को फिट रखने के लिए हमें इस प्रकार से वात, कफ और पित्त को संतुलित बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये थी दोस्तों आज की जानकारी। अन्य इसी तरह की जानकारियों के साथ जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।